मेरा पेपर का विषय है डीकोडिंग एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विथ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जब हम बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, चूँकि मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आई हुई हूँ और चूँकि गांधी जी के ऊपर बहुत दिनों से और हमेशा बातचीत होती रहती है, तो बहुत सारे पहलुओं के बारे में आपको जानकारी है। अब इन सब पहलुओं में एक बात जो हमें बताया जाता है कि गांधी जी जो हैं वो महात्मा बने हैं। अब महात्मा जब वो बने हैं तो एक जो बात है वो ये है कि लोगों का जो जुड़ाव उनके साथ रहा है, व्हाट मेड गांधी गांधी, द आंसर टू इट इज दैट द पीपल्स सपोर्ट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट मेड गांधी अ बिग सक्सेस। द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेलियर। सो व्हाट इज द रीजन फॉर गांधीज फेलियर? द पार्टिसिपेशन, द नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोग्राम्स विच वर इनिशिएटेड बाई गांधी इज द फेलियर ऑफ महात्मा गांधी। अब इस बात को और अगर मैं साफ ढंग से रखना चाहूँ तो उसमें यह है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे पूछा जाए कि मेरी सही रियल पॉलिटिक्स क्या है, उन्होंने जमनालाल बजाज जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क वॉट इज़ माई रियल पॉलिटिक्स, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है, रचनात्मक कार्य जो है, वही मेरा रियल पॉलिटिकल वर्क है। अब ये जो रचनात्मक कार्य है ये 18 सूत्रों में बांटा गया है। समय की सीमा है इसलिए इन सारे 18 सूत्रों के बारे में मैं यहाँ पर विवरण नहीं दूंगी, लेकिन आते जाते लेकिन जस्ट ऑन अ पासिंग फेज आई वुड बी रिफरिंग टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो कि आज भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने दिए हुए हैं, स्टॉकहोम में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद 17 सूत्रीय सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बात की गई है, 17 सूत्रीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कि हम सतत विकास लक्ष्य के तौर पर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हैं उनके जो कुछ सूत्र दिए गए हैं वो हमारे लिए उतने ही मौलिक हैं जो कि हमें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कह रही है। कम्युनल यूनिटी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी समय से कल से आप लोगों के सामने बात की गई है। साथ ही साथ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है, चूँकि मैं एक ऐसी भूमि पर खड़ी हुई हूँ जहाँ पर कि अभय बंग और रानी बंग ने बहुत कार्य किया हुआ है और यहाँ जो उनका कार्य था वो प्रोहिबिशन का था, नशाबंदी का था, दारूबंदी का था, तो गांधी जी के एक सूत्रीय कार्यक्रम जो था, एक वन पर्टिकुलर आस्पेक्ट जो था, दैट वाज अबाउट प्रोहिबिशन। अब ये जो प्रोहिबिशन है आज हम देखते हैं कि आज भी उतने ही वैल्यूएबल है और उसका कारण ये है कि अगर आप मूवी से कल जिन्होंने हमें मूवीज़ के बारे में बात की थी, तो इफ़ यू टॉक अबाउट उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इंडिया इज़ गोइंग थ्रू एट द करेंट मोमेंट। सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि नशे में पूरी तरह से, आई वोंट से पूरी तरह से, बट नशा का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। तो ऐसे में गांधी जी यहाँ पर सुझाव क्या देते हैं, क्योंकि गांधी जी को मैं एक रेवोल्यूशनरी के तौर पर भी देख रही हूँ लेकिन एक प्रैक्टिकल रेवोल्यूशनरी के तौर पर भी देख रही हूँ। वो इस तरह से कि रेवोल्यूशनरी जब आते हैं तो वो सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं प्रस्तुत करते हैं। जब हम गांधी जी के बारे में विचार करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वो एक अल्टरनेटिव भी हमारे सामने दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी बिल्कुल भी प्रोहिबिशन, बिल्कुल भी नशे में ना रहे, तो ज़रूरी है कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का जो है इंतज़ाम करके दिया जाए। यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद की भी याद आ रही है जो कि कह रहे थे कि अगर आपको भारत का निर्माण करना है तो यू हैव टू सी दैट द यूथ विच इज़ देयर दैट शुड गो इनटू द फुटबॉल ग्राउंड्स, क्योंकि जहाँ व्यक्ति शारीरिक मानसिक तौर से थका हारा रहेगा तो वहाँ पर वो नशे के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर पाएगा। तो प्रोहिबिशन जो है दैट इज़ वन थिंग। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि देर कैन बी रिक्रिएशन बूथ्स, देर कैन बी प्लेसेस वेयर पीपल कैन गो टुगेदर, वहाँ पर चर्चा हो सकती है और जो युवा पीढ़ी और जो और भी अलग इंडिविजुअल्स हैं उनको भी हम इसी तरह से नशाबंदी से मुक्त करवाने की कोशिश कर सकते हैं। गांधी जी ने खादी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहा है,
लेकिन उन्हें उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है। हम जिस तरह से ग्लोरीफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ खादी ग्रामोद्योग शुरू करके विलेजेस ग्रामीण भागों से हम माइग्रेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामीण भागों से माइग्रेशन टू द सिटी एरियाज़ को बंद करना है, तो उसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में विचार करना रहेगा। और इस अल्टरनेटिव्स में उन्होंने हमें अदर विलेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तौर पर प्रस्तुत किया था। यहाँ पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का एक जो भाग है वो है विलेज सैनिटेशन या ग्रामीण भागों की साफ सफाई के बारे में। ये जो सूत्र है वो देने के पीछे का जो उनका उद्देश्य है वो उनके बहुत सारे अनुभव हैं। व्हेन ही वाज इविक्टेड फ्रॉम पीट्समैरिजबर्ग स्टेशन, एक विचार उनके मन में था, एक द्वंद्व उनके मन में शुरू था, और उस द्वंद्व में ये था कि ये क्यों है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमसे इतनी नफरत करते हैं, ऐसा कौन सा कारण है। बहुत सारे उसमें आयाम आए, उसमें से एक आयाम ये भी था कि चूँकि हम अपने आप को साफ नहीं रखते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को साफ नहीं रखते हैं, हम हमारे इर्द गिर्द के परिसर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो एक कारण जो ब्रिटिशर्स की हमारे से जो घृणा करने का है वो ये भी है। तो इमीडिएटली हम देखते हैं कि गांधी जी की जो पहली सभा थी उसमें वो सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, और वो वहाँ पर ये बात को ज़्यादा ही एम्फसाइज ऑन इट दैट सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बात हुए 100 वर्ष से भी ज़्यादा, और दुख इस बात का है मुझे बिल्कुल भी, आई नेवर फील प्राइड ऑफ द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ ब्रूम इन हिज हैंड। मुझे इस बात में कभी भी गर्व नहीं महसूस होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में झाड़ू है। मुझे दुख होता है कि 100 वर्ष के बावजूद भी आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने आप को मुझे संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से स्वच्छ भारत का अभियान हमें निकालना है और किस तरह से पीपल पार्टिसिपेशन से स्वच्छ भारत किया जा सकता है। देश का जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, करोड़ों रुपया जो है, आज आपके और मेरी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, आपके और मेरे, वी आर नॉट बीइंग रियली फॉलोइंग द डिक्टम ऑफ व्हाट गांधी हैज सेड, एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इन वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन, जहाँ पर कि हमें नहीं खर्चा करना चाहिए। दे कैन बी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द मनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। इसी तरह से जब वो बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उनका तो यहाँ पर सीधा कहना था कि ये जो एजुकेशन है ये जो पश्चिमी सभ्यता की जो एजुकेशन है वो बच्चों को किसी तरह से बढ़ा नहीं रही है, बच्चों का किसी तरह से इट्स नॉट रियली डेवलपिंग देम, एंड सो ही एम्फसाइज्ड ऑन दी हैंड हेड एंड हार्ट। कहने के लिए तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट मुझे उनका लग रहा था, द वन विच आई फील इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द लीपर्स की कोड जो सफ़र कर रहे हैं, सो हाउ दिस पीपल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। And in regard to this, he said that though this problem may look as a very small problem, but I do not look at it as a small problem. It is a very big problem for me. And he says that the magnitude of the problem has to be understood from a global context. And what is this global context that he says about? I quote Gandhi over here, and he says that what leper is in India that we are, if we will but look about us for the modernized civilization world, यानी कि जिस तरह से हमें कोड के व्यक्ति दिखाई देते हैं कि वो अछूत हैं, उसी तरह से हम भारतीय भी मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड के लिए अछूत के तौर पर हैं। एंड सो द सॉल्यूशंस विच ही गिव फॉर द लीपर इज नॉट टू बी लुक्ड ओनली फॉर अ लीपर कम्युनिटी एज सच, बट इट हैज़ टू बी ऑन अ मोर जनरलाइज्ड नोशन एंड इट हैज़ टू बी इनैक्टेड, इट हैज़ टू बी फॉलोड इन अ मोर जनरलाइज्ड नोशन। एंड देन ही फर्दर सेज, examine the condition of our brethren across the ocean and truth of my remark will be borne home to us. Now coming back to the next aspect, and which is much more closer to my heart, and when I look at the constructive program, it is about environment. And when we speak about environment and when we look at the sustainable development goals which have been given to us by United Nations, we will find that of the 17 sustainable development goals, 10 have been emphasized on environment. Now, which are these sustainable goals?
So the one which are in link with, in sync with environment is something related to clean water and sanitation. As I read it out, let us try to understand how the constructive work also aligns with it. Affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reducing inequality, life below water, life on land, peace, justice and strong institution. Now, on this count of the sustainable development goals, I would like to talk about Greta Thunberg, who is leading the movement for a better tomorrow. She is a 17-year-old student, very much like you and me over here, a young girl, and she is the girl who has taken the initiative. And her initiative, or wo aaj hai yahan par, in the sense, she's a living person. And she has taken up the initiative to see that how the colonies ka matlab yahan par hum capitalist ka le rahe hain, ki how the industrial sector, how the oil and renewable energy sectors, they are exploiting us. And she is the one who has taken out a mission where every Friday she would bunk the school, and she would say that this bunking, this going on strike, is against the policies not only of her own country government but also of the entire world. She is building up a mass movement, and this mass movement is to see that if environment is not there, then you and me are in no way going to sustain ourselves. And the recent examples of the floods which have taken place in Maharashtra, the various kinds of deluge which is taking place in the entire world, stands testimony to the fact of what Gandhi has said, that nature provides for every man's greed but not for every man's need. So in context to the United Nations Sustainable Goals, as well as to the constructive program over here, where Gandhi has also emphasized on sanitation, and he has also emphasized on the kind of health and well-being of an individual, I feel that the greater relevance of Gandhi would not to be understanding him in the textual sense of the term, but to see that how the philosophy of Gandhi can be brought into praxis. And this building up of praxis means that the students who are there in different universities of the world, we all have to come together. I myself consider as a student, and it means that we have to be together, we have to be united, we have to work together so that we can bring about a sustainable world wherein we think not only for our own selves, but we also think about the future generations. Now, who are these future generations? Imagine yourself at the age of 80. Do you think that the world would be a good place to live in? And who would you blame to? You wouldn't be blaming the government, but you have to blame yourself and no one else. I feel that the relevance of Gandhi through his constructive program and aligning it with the sustainable development goals stands very much valid, very much relevant in the present context. And as Gandhi says, that the change has to begin from oneself. So it is your and my daily habits which needs to be changed, which needs to be aligned more from an environmental perspective, and that is in one way contributing, remembering Gandhi on a daily basis. Thank you very much.